साथियों, आप किसी संगठन के सदस्य या फिर आप उसमें कोई पदाधिकारी हैं और आपको संगठन के किसी सम्मेलन में या फिर संगठन के स्थापना दिवस पर भाषण देना है, तो आप किस तरह भाषण देंगे? तो सबसे पहले तो आप संबोधन करेंगे किसी अपने इष्ट या माँ सरस्वती को या किसी देवी देवता को नमस्कार प्रणाम करेंगे, साथ ही जितने भी लोग आए उनको आप उनका अभिवादन करेंगे। अध्यक्ष होंगे, मुख्य अतिथि होंगे या फिर अन्य पदाधिकारी होंगे, वहां के दर्शक अन्य सदस्यगण होंगे, सभी का अभिवादन करेंगे। इससे आप सभी का दिल जीतें। उसके बाद बोलेंगे किसी भी संगठन संस्था की सफलता के पीछे एक टीम वर्क होता है। हमारी कोई भी संस्था, जो आपकी संस्था का नाम है, संगठन के सदस्यों के प्रबल भावनात्मक सहयोग की बदौलत हमारे संस्थान का उत्थान हो रहा है। हमारा यही भावनात्मक जुड़ाव हमारे समाज को गति दे रहा है। साथियों, झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती तब तक वह कचरा साफ करती, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती तो खुद कचरा हो जाती। इसलिए हमेशा संगठन से बंधे रहें, बिखर कर कचरा ना बने। और किसी भी दल या संगठन में भले पाले कोई पद, व्यवहार हमारा तय करेगा कि कितना ऊंचा कद। निश्चित ही हम सदस्य हैं या फिर कोई पदाधिकारी, हम सभी को जी जान से इस संगठन के उत्थान में लगे रहना चाहिए। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और हौसला बनाए रखे, संगठित होइए, नहीं तो ना तो संस्था बचेगी और ना ही समाज। और कहा भी गया है कि संघे शक्ति कलयुगे। इस एकता को कभी बिखरने नहीं देना और इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देनी है, मजबूत करना। एकता में ही ऐसी शक्ति है जो तोड़ सकती है बड़े से बड़े दम्भ। आओ एकता का मार्ग अपना कर नवयुग का करें आरंभ, नवयुग का करें आरंभ। साथियों, संगठन हो, परिवार हो, रिश्ते हो, ये सब हमें मजबूती प्रदान करते हैं। इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जब तक है हम संगठन के संग, रहेगा हमारे जीने का ढंग। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, संगठन एक घड़ी की सुइयों के जैसा होना चाहिए। भले एक फास्ट हो, एक स्लो हो, भले एक बड़ा हो, एक छोटा हो, और किसी की बारह बजानी हो, तो ये सब एक साथ हो जाते हैं। और आशा है कि आप इस बात से समझ गए होंगे कि संगठन में कितनी शक्ति होती। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। और इसी तरह हम सब मिलकर प्रयास करें। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीजें हैं, जो ये जब एक हो सकते तो हम तो इंसान हैं और हम सीख सकते हैं प्रकृति से। हम उन चींटियों से सीख सकते हैं, उन मधुमक्खियों से सीख सकते हैं कि एकता का क्या प्रभाव होता है। पत्थर की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक सुनसान सड़क पर आवारा कुत्ते हमें घेर लेते हैं। उसी तरह संगठन समाज का महत्व तब समझ में आता जब हम मुसीबत में होते हैं। इसलिए केवल संगठन से जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं, संगठन के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाना है। मनुष्य के जीवन में संगठन का बड़ा महत्व। अकेला मनुष्य शक्तिहीन है, जब संगठित होने पर उसमें शक्ति आ जाती है। संगठन की शक्ति से मनुष्य बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर सकता है। संगठन में ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है। जो परिवार और समाज संगठित होता है, वहां हमेशा खुशियां और शांति बनी रहती है। और ऐसा देश तरक्की के नित, ऐसा समाज तरक्की के नित नए सोपान तय करता है। इसके विपरीत जो परिवार और समाज बिखरा हुआ होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए इंसान एक महान इंसान बन सकता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनमें सब में कॉमन बात यही है कि सभी ने संगठित होकर काम किया है, जिंदगी में एक महान इंसान बनते हैं। बहुत सी कहानियां हमें ये बताती हैं कि जीवन में संगठित होकर आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मजदूर व्यक्ति बहुत ही कम पैसा कमाता है, बहुत मेहनत करता है, फिर वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाता, एक सफल इंसान नहीं बन पाता। वही एक बिजनेसमैन संगठन की शक्ति से कितनी आगे तक जाता है। संगठन एक जादू की तरह काम करता है। जो इंसान एक इंसान नामुमकिन, जिस कार्य को नामुमकिन समझता है, संगठन में वो काम हो जाते हैं। संगठन में वो जादुई शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। संगठित होकर रहोगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की संगठित होकर। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। क्या बात है, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। इसलिए हाथ पकड़कर रखें और समाज को मजबूत बनाएं। निश्चित ही हम सफल हो सकते हैं और अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं। साथियों, संगठन में क्या शक्ति है, क्या ना जाने कितनी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि संगठन से हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत से बाहर
निकल सकते हैं। संगठन की शक्ति के कारण हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, हम जिंदगी में कुछ भी करने से नहीं डरते और विशेष सफलता अर्जित करते हैं। साथियों, आज प्रण लें, वादा करें कि हमारे मन में हो सकता है किसी बात पर मतभेद हो, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए और इस संगठन के लिए हम दिन रात कार्य करते रहेंगे। जय समाज, जय हिंद, जय भारत।